Welcome everyone. So today we'll be discussing the 2018 NEET MDS oral pathology paper. तो आज हम बात करेंगे 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था oral pathology का वो सारा क्वेश्चन. Ground glass appearance, brown tumor and hypercalcemia are seen in hyperparathyroidism. Okay, so what is hyper? क्या बोले हो? पैराथायरोडिज्म. सो व्हाट इज हाइपर पैराथायरोडिज्म? उसमें क्या होता है? हाइपर पैराथायरोडिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड. ओके, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ब्राउन ट्यूमर एंड हाइपर कैल्सिमिया. तो क्या क्या होता है? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहाँ पे दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है हमको? इन क्लिनिकल में दिखाई देता है कि रेडियोग्राफ में दिखाई देता है? रेडियोग्राफ. रेडियोग्राफ. ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन रेडियोग्राफ वी सी. देन ब्राउन ट्यूमर दिखाई देता है और हाइपरकैल्सिमिया. हाइपरकैल्सिमिया मतलब एक्सेस ऑफ कैल्शियम. ओके, तो ये सारा सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपर पैराथायरॉइडिज्म. इट इज मोर कॉमन इन वुमेन. तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म इज मोर कॉमन इन वुमेन, 3:1. हाइपरकैल्सिमिया मैनिफेस्टेड एज पोर मसल टोन एंड डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी. ब्राउन ट्यूमर ऑकर्स इन 10% ऑफ द केसेस. ओके, तो सारा केसेस में ब्राउन ट्यूमर नहीं होता है. ओनली 10% ऑफ द केसेस में ब्राउन ट्यूमर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, हाँ, इसको रेडियोग्राफ में देखते हैं हम. फिर ब्राउन ट्यूमर, ब्राउन ट्यूमर के बारे में बात किया हमने. हाइपर कैल्सिमिया के बारे में बात किया. तो ये तीनों सारा कहाँ पे दिखाई देता है? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में. ओके, तो कुछ ये रेडियोग्राफिक फीचर, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, फिर पेपर पॉट अपीयरेंस भी दिखाई देता है इसमें. प्लीज रिमेम्बर, दिस इज अनदर थिंग, पेपर पॉट अपीयरेंस. ओके, इन लेटरल एक्सरे ऑफ स्कल, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना. लेटरल एक्सरे ऑफ स्कल में आपको पेपर पॉट अपीयरेंस दिखाई देता है. लामिना ड्यूरा अराउंड द टीथ में भी प्राइमरी लॉस. तो जो लामिना ड्यूरा होता है, लामिना ड्यूरा इज ऑल्सो lost. Okay, so these are the characteristic feature of hyperparathyroidism. Which of these is a pseudocyst? Pseudocyst kaun sa hai? Traumatic cyst. Haan, traumatic cyst. Traumatic cyst ka aur other name kya hai? It is also known as solitary bone cyst, aneurysmal bone. Nahi, these are pseudocyst. Okay, not other name. Other name dusre slide mein baat karenge. So cyst without एपिथेलियल लाइनिंग. ओके, जिसमें एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होता है उसको हम स्यूडोसिस्ट बोलते हैं. ओके, एंड व्हाट आर द एग्जांपल? सॉलिटरी सिंपल बोन सिस्ट, एनुरिज्मल बोन सिस्ट, दिस आर स्यूडोसिस्ट. ओके, तो जो अदर नेम्स क्या है? ट्रोमेटिक बोन सिस्ट, सॉलिटरी बोन सिस्ट, यूनिकैमरल बोन सिस्ट. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आता है क्वेश्चन कि आपका अदर नेम ऑफ ट्रोमेटिक बोन सिस्ट इज यूनिकैमरल बोन सिस्ट और उसको हेमरोजिक बोन सिस्ट भी बोलते हैं. ओके, तो दिस यू रिमेम्बर प्लीज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपोफॉस्फेटेसिया? हाइपोफॉस्फेटेसिया सुना है नाम, कौन सा सही है इसमें हाइपोफॉस्फेटेसिया का? यू नो अबाउट हाइपोफॉस्फेटेसिया? हैव यू हर्ड? बी. B, okay, B, let's see whether it's correct or not. So, hypophosphatasia mein kya hota hai? Pehle, let's study what is hypophosphatasia. It is a rare genetic disorder, okay? So, ye ek genetic disorder hai, okay? Primary characterized by impaired mineralization, calcification of bones and teeth mein defect hota hai. Calcification of bones and teeth, there is defect, okay? Problems occur because mineralization is the process by which bones and teeth take up calcium and phosphorus. This is the same thing. So mineralization yani calcification mein problem hota hai. Theek hai? Next, what is defective mineralization? Results in bone that are soft and prone to fracture and deformity. So mineralization acche se nahi hota hai, uske karan kya hota hai? The bones are soft and prone to fracture and deformity. Okay, so bone hypophosphatasia mein bone bahut jaldi fracture ho jata hai. Okay,
डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ कैन लीड टू टूथ लॉस. तो जो दांत का मिनरलाइजेशन अगर अच्छे से नहीं होता है तो क्या होगा, टूथ लॉस हो सकता है. ओके फिर व्हाट इज इट जेनेटिक कौन सा है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव. ओके ऑटोसोमल रिसेसिव प्रीमेच्योर लॉस ऑफ टीथ विद इंटैक्ट रूट्स रिकेट्स लाइक स्केलेटल फीचर्स. सो रिकेट्स जैसा इसका स्केलेटल फीचर्स होता है. व्हाट वी हैव स्टडीड, पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि हाइपरफॉस्फेटेसिया इम्पेयर्ड मिनरलाइजेशन है, अच्छे से मिनरलाइजेशन नहीं होता है बोन्स का और दांतों का. तो इसके कारण क्या होता है, हाइपोमिनरलाइजेशन के कारण आपका बोन्स आर सॉफ्ट एंड प्रोन टू फ्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी. नेक्स्ट है आपको जानना पड़ेगा कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन. तो यहाँ पे बोला है टोटल सेरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी इज लो इन ऑल द टाइप्स ऑफ हाइपोफॉस्फेटेसिया while urine concentration of phosphoethanolamine is elevated. So यहाँ पे बोला है कि alkaline phosphatase is low, okay? और phosphoethanolamine is elevated. तो यहाँ पे देखते हैं ये आंसर है कि नहीं. हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिया है देखो decrease urinary phosphoethanolamine. ये correct है क्या, ये wrong है, यहाँ पे increased होता है. ठीक है impaired calcium absorption ये तो हमने discuss नहीं किया. we talked about calcification. Okay, so decreased level of serum level of alkaline phosphatase है इसका answer. Okay, acid phosphatase के बारे में हमने कहीं पे यहाँ पे बात नहीं किया. Multiple draining sinuses from the neck with sulfur granules is a feature of, बता सकते हो आप? Actinomycosis. Very good. So, what is this? ये bacterial है, fungal infection है, क्या है? Bacterial है या fungal है या viral है, क्या है ये? पता है? Bacterial. तो पहले इसको लोग सोचते थे कि ये fungal infection है, but बाद में पता चला कि that is caused by bacteria. Okay? So let's study about actinomycosis. So देखो क्या होता है. मल्टीपल ड्रेनिंग साइनसेस इन नेक विथ सल्फर ग्रेन्यूल. तो देखो ये नेक रीजन पे, नेक ऑलमोस्ट नेक है तो चीक है ये, और नेक रीजन पे होता है. ठीक है इन नेक विथ सल्फर ग्रेन्यूल, सल्फर ग्रेन्यूल्स होता है जहाँ पे भी आपने एक बार देख लिया सल्फर ग्रेन्यूल्स लिखा है डायरेक्टली गो अटैक एक्टिनोमाइकोसिस. ओके प्रेजेंटेशन ऑफ सर्वाइको फेशियल एक्टिनोमाइकोसिस. सो दिस इज सर्वाइको फेशियल. ओके सर्वाइकल एंड द फेशियल पार्ट इज इन्वॉल्व. ओके तो मल्टीपल ड्रेनिंग साइनसेस है, देखो मल्टीपल है एब्सेस, यहाँ पे आपका सल्फर ग्रेन्यूल निकलता है. ठीक है तो व्हाट कॉसेस एक्टिनोमाइकोसिस. एक्टिनोमाइकोसिस इज ए रेयर इन्फेक्शन, सो इट इज नॉट वेरी कॉमन स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट. सिंस द इन्फेक्शन स्प्रेड सो स्लोली एक्टिनोमाइकोसिस वॉज फर्स्ट थॉट टू बी ए फंगल इन्फेक्शन. पहले सोचा था लोगों ने कि दिस इज फंगल इन्फेक्शन, बट ए फैमिली ऑफ बैक्टीरिया नोन एज एक्टिनोमाइसेटिस causes it. The bacteria in this family include Actinomyces israeli, Neslundi, Viscosus and Odontolyticus. Okay, so Actinomycosis is caused by bacteria. Natal and neonatal teeth are not associated with. So natal or neonatal teeth kya hai? What is natal teeth? Anyone can tell me? What is natal teeth? Difference between natal and neonatal teeth? Natal teeth birth mein milta hai. ठीक है और न्योनेटल विद इन वन मंथ जो आता है. ठीक है तो कौन सा यहाँ पे डिजीज है, कौन सा डिजीज है जहाँ पे नेटल और न्योनेटल टीथ हमको नहीं मिलता है? एनीवन कैन टेल? डाउन सिंड्रोम. यस वी हैव नेवर हर्ड डाउन सिंड्रोम में, बचपन से हम डाउन सिंड्रोम पढ़ते आ रहे हैं, बट वी नेवर हियर कि नेटल और न्योनेटल टीथ होता है. उल्टा क्या होता है, इसमें हाइपोडोंशिया हो सकता है, लेस नंबर ऑफ टीथ हो सकता है डाउन सिंड्रोम में, बट वी डोंट सी आपका कि नेटल और नियोनेटल टीथ होता है. रिगाफेट डिजीज में होता है, हलरमैन स्ट्रिफ में होता है, एलिस वैन ट्रेवल में होता है. तो लेट्स सी, डाउन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ मल्टीपल मिसिंग टीथ. तो डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है, मल्टीपल मिसिंग टीथ हो सकता है. ठीक है मल्टीपल मिसिंग टीथ. ठीक है सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ नेटल एंड न्योनेटल टीथ ये है कोंड्रोएक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया, हलरमैन स्ट्रिफ सिंड्रोम, एलिस वैन क्रेवल सिंड्रोम और रिगाफेडा सिंड्रोम. इसके अलावा और भी बहुत सारा है, बट दिस आर द मेन. ओके जिसमें नेटल एंड न्योनेटल टीथ
पाया जाता है. ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस. व्हिच ऑफ दैट, व्हिच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा. हमने स्क्लेरोडर्मा पढ़ा था उस दिन. तो ये यहाँ में एक एक जो सिंड्रोम है उसमें स्क्लेरोडर्मा का वन टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा इज फाउंड. कौन सा है वो? पायरेरोबिन में क्या होता है आपको पता है? हाँ हाँ, क्या बोले आप लोग? प्लीज आंसर अगेन. ठीक है, ओके, इट्स नॉट ऑडिबल. एनीवे, पायरेरोबिन में क्या होता है, गार्डनर में क्या होता है? लेट्स स्टडी फर्स्ट द सिंड्रोम्स इंडिविजुअली. तो पायरेरोबिन सिंड्रोम में क्या होता है? देखो, क्लेफ्ट पैलेट होता है. ओके, पायरेरोबिन में आपका क्लेफ्ट पैलेट होता है. ठीक है, देन रेट्रोग्नेथिया होता है. ठीक है, देखो रेट्रोग्नेथिया है इसका, ये पेशेंट का. देखो रेट्रोग्नेथिया है. ठीक है, रेट्रोग्नेथिया है. फिर मैक्रोग्लोशिया एंड एंकाइलोग्लोशिया, ये अनकॉमन है, ये नहीं होता है. ग्लोसोप्टोसिस होता है और माइक्रोग्नेथिया होता है. तो दीज आर द थ्री फीचर्स ऑफ आपका क्या है, योर पायरेरोबिन सिंड्रोम. ओके, गार्डनर सिंड्रोम इज ए सब टाइप ऑफ फेमिलियल. क्या है, बता सकता है कोई? एफएपी क्या है? फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस. ओके, सो इट इज कैरेक्टराइज बाय मल्टीपल कॉलन पोलिप्स. पोलिप्स होता है कॉलन में, ट्यूमर्स आउटसाइड द कॉलन. तो क्या कहा पे क्या ट्यूमर होता है? डेस्मॉइड ट्यूमर और बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर. ओके, दिस इज गार्डनर सिंड्रोम. ये क्या है? पेरिरोम्बक सिंड्रोम. मतलब इसमें क्या होता है? इट इज, क्या कोई बताएगा द टर्म यूज वी यूज फॉर पेरिरोम्बक सिंड्रोम? कुछ एट्रोफी है बोल सकते हैं कोई? हेमी फेशियल एट्रोफी. हाँ, फेशियल हेमी एट्रोफी. ओके, तो एक साइड देखो इसका, दोनों साइड अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं मिड लाइन पे, तो दोनों साइड सिमिलर है क्या? इस साइड पे देखो एट्रोफी हुआ है. ओके, एट्रोफी हुआ है. तो फेशियल हेमी एट्रोफी, हेमी मतलब हाफ और एट्रोफी मतलब रिडक्शन ना, रिडक्शन एट्रोफी. तो एसोसिएशन हैज बीन फाउंड बिटवीन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा. पेरिरोम्बक सिंड्रोम एक तरीके का स्क्लेरोडर्मा के साथ रिलेटेड है. एंड दैट स्क्लेरोडर्मा इज लीनियर स्क्लेरोडर्मा. ओके, तो लीनियर स्क्लेरोडर्मा. कौन सा स्क्लेरोडर्मा पाया जाता है? गोट्रॉन स्पेप्यूल कहाँ पे पाया जाता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ स्क्लेरोडर्मा? एनीवन, क्या होता है? हमने उस दिन पढ़ा था कुछ दिन पहले ओरल पैथोलॉजी. हाँ, थिकनिंग ऑफ द, हाँ, थिकनिंग ऑफ द स्किन. ओके, और गोट्रॉन स्पेप्यूल्स भी स्क्लेरोडर्मा में पाया जाता है. तो पेरिरोम्बक में क्या होता है? लीनियर स्क्लेरोडर्मा होता है. ठीक है, तो व्हाट इज मेलकरसन रोजेंथल सिंड्रोम? वो भी एक दिया हुआ है वहां पे. तो वहां पे क्या होता है? क्लासिकल ट्राइड, ट्राइड होता है. इसमें क्या होता है? लिप एनलार्जमेंट, अदर एरियाज में स्वेल बट लिप एनलार्जमेंट होता है. फिर स्क्रोटल टंग. स्क्रोटल टंग का दूसरा नाम क्या है? फिशर टंग. ओके, रिकरेंट फेशियल पैरालिसिस. तो ये तीन चीज होता है, फेशियल पैरालिसिस, लिप एनलार्जमेंट एंड फिशर टंग. ये देखो, ये पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हुआ है, देन ये लिप्स एनलार्ज, और उसका फोटो मैंने नहीं लगाया है शायद. ओके, फिशर टंग का नहीं लगाया है. तो फिशर टंग होता है और आपका लिप एनलार्जमेंट होता है, और क्या बोला मैंने? फेशियल पाल्सी होता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो व्हिच ऑफ दिस इज ए पायरेरोबिन पढ़ लिया. क्या है? हमने तीन सिम्टम्स होता है, ग्लोसोप्टोसिस, रेट्रोग्नोथिया, और क्या था? माइक्रोग्नोथिया हो गया, ग्लोसोप्टोसिस हो गया, और एक क्लेफ्ट पैलेट. क्लेफ्ट पैलेट. ओके, गार्डनर सिंड्रोम में क्या होता है? डेस्मोइड पॉलिपोसिस का टाइप है एक. ओके, कॉलन में, कॉलन में क्या होता है? मल्टीपल कॉलन पॉलिप होता है. ठीक है, और पेरिरोम्बक में क्या होता है? फेशियल स्क्लेरल हेमी एट्रोफी.
ओके और मर्केलसन रोजेंथल सिंड्रोम में क्या होता है? तीन चीजें होता है, फेशियल फेशियल पाल्सी, स्किन एनलार्जमेंट, केलाइटिस ग्रैनुलोमाटोसा। हाँ, केलाइटिस ग्रैनुलोमाटोसा भी बोलते हैं, जो लिप जो थिक हो जाता है ना उसको केलाइटिस ग्रैनुलोमाटोसा भी बोलते हैं। और क्या है? फेशियल पाल्सी, केलाइटिस ग्रैनुलोमाटा और स्क्रोटल या फिशर टंग। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरियोरल फ्रेकल्स विथ रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड इंटेस्टाइनल कैंसर इज ए फीचर ऑफ, कौन सा है ये? एनीवन? क्रॉन्स डिजीज? नहीं, क्रॉन्स डिजीज नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है क्या क्रॉन्स डिजीज में? ये ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। और पेरियोरल फ्रेकल्स, पेरियोरल फ्रेकल्स हमने पढ़ा था, शायद पढ़ा है। हाँ, फिर से बोलो। गार्डेनर सिंड्रोम नहीं है, गार्डेनर सिंड्रोम नहीं है, काउडेन सिंड्रोम, काउडेन भी नहीं है, सारा का सारा गलत है आपका। इसका होगा प्यूस डेगर सिंड्रोम। ओके, तो ये देखो पेरीओरल पिगमेंटेशन। ओके, पेरीओरल पिगमेंटेशन, ठीक है। और ये है इंटेस्टाइनल पॉलिप्स, ठीक है, पॉलिपोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज काउडेन सिंड्रोम? काउडेन सिंड्रोम में क्या होता है, इज ए पार्ट ऑफ द P10 हमार्टोमा। ओके, ये एक जीन है जिसका हमार्टोमा होता है। ए ट्यूमर सिंड्रोम ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूटेशन इन P10। तो काउ डेन है ना, तो ये P10 है, ठीक है, डेन 10, ऐसे याद रखो तो ऐसे याद रह जाएगा। हमार्टोमास आर बेनाइन, मीनिंग ये अपने आप पढ़ लेना, नॉन कैंसरस ट्यूमर लाइक ग्रोथ, अदर क्लिनिकल सिंड्रोम्स दैट आर पार्ट ऑफ आर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इज कैरेक्टराइज बाई हाई रिस्क ऑफ बोथ कैंसरस बेनाइन एंड कैंसरस ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट, थायरॉयड, एंडोमेट्रियम, कोलोरेक्टल, किडनी एंड स्किन, मेलानोमा। पर यहाँ पे जो इससे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, पर पेरियोरल पिगमेंटेशन हमको नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है? पेपिलोमेटस पेप्यूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पेपिलोमेटस पेप्यूल, पेपिलोमेटस पेप्यूल, ओके, ये इम्पोर्टेंट है। तो पेपिलोमेटस पेप्यूल क्या है, ये देखो दिखाई दे रहा है ये सब पेप्यूल्स, ठीक है, ये सारा। तो ओरल कैविटी में इसका पेपिलोमेटस पेप्यूल्स हो सकता है, ये देखो हाथों में भी हो सकता है। तो दिस इज योर काउडेन सिंड्रोम। ओके, काउडेन सिंड्रोम में क्या होता है? पेपिलोमेटस पेप्यूल, पेपिलोमेटस पेप्यूल्स। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रॉन्स डिजीज? हमने पहले क्रॉन्स डिजीज ऑप्शन में था ना, उसके बारे में नहीं पढ़ा, तो हम अभी पढ़ेंगे क्रॉन्स डिजीज के बारे में। तो आप बताओ यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज में क्या क्या पाया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रॉन्स डिजीज? क्या है ये? वार्थिन फिंगल्टी जाइंट सेल्स कहाँ पे मिलता है? किसी को पता है, सुना है पहले नाम? ये मीजल्स में पाया जाता है। ओके, मीजल्स में। टूटन जाइंट सेल पड़ा है सेकेंड ईयर में, जाइंट सेल्स में कहाँ पे मिलता है? सार्कोइडोसिस, दांतोमा। दांत। ओके, ओरल मेलानोसिस कहाँ पे पड़ा अभी? पेरीओरल पिगमेंटेशन कहाँ पे होता है? प्यूस जेगर। तो इसका आंसर क्या हुआ? नॉन सीजेटिंग ग्रेनुलोमा। सीजेटिंग मतलब क्या होता है? मतलब सीजेटिंग मतलब क्या होता है? चीज लाइक नेक्रोसिस, चीज लाइक नेक्रोसिस, चीज लाइक। ओके, चीज लाइक मतलब सीजेटिंग। तो चीज लाइक का एग्जांपल दो आप, चीज लाइक ग्रेनुलोमा, टीबी। हाँ, टीबी। और सारा एग्जांपल है उसका, याद है? बहुत सारा एग्जांपल था। एमाइलोडोसिस भी, सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस और हिस्टोप्लास्मोसिस। हिस्टोप्लास्मोसिस क्या है? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल? फंगल, फंगल। सो लेट्स स्टडी इन डिटेल इसके बारे में। व्हाट इज क्रॉन्स डिजीज? क्रॉन्स डिजीज इज ए इम्यून मीडिएटेड डिजीज दैट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम माउथ टू एनस। तो माउथ टू एनस कहीं पे भी वो अफेक्ट कर सकता है क्रॉन्स डिजीज। तो इसका न्यूमोनिक क्या है? क्रॉन्स। क्रॉन्स से हम ये याद रखते हैं, कोबलस्टोन, अपीयरेंस ऑफ म्यूकोसा, रोज थॉर्न अल्सर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल, हाइपरप्लेशिया ऑफ मेसेंट्रिक। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों, सीआर
और ये स्किपलेशन, स्किपलेशन एक दिन मैंने बात किया था, स्किपलेशन क्या होता है, यहाँ पे लेशन है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, तो दिस आर स्किपलेशन. सो कोबलस्टोन अपेरेंस मिलता है यहाँ पे रोजथॉर्न अल्सर. आई विल शो यू पिक्चर ऑफ कोबलस्टोन अपेरेंस इन अपकमिंग क्लासेस. हियर आई फॉरगॉट टू पुट कोबलस्टोन अपेरेंस होता है, रोजथॉर्न अल्सर होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बावल. ये दोनों और तीनों याद रखो आप यहाँ पे, ठीक है. तो कुछ कुछ लोग क्रिसमस से भी इसको याद रखते हैं, कोबलस्टोन, हाई टेम्परेचर, रिड्यूस लुमेन, स्किपलेशन. पर अल्टीमेटली आपको याद रखना है कोबलस्टोन, फिर आपका स्किपलेशन, और आपका क्या हुआ द अदर वन आई टोल्ड, रोजथॉर्न अल्सर, रोजथॉर्न अल्सर. ओके, let's see next. This is Warthin Fingaldi giant cell. Okay. This is Warthin Fingaldi giant cell. So this is found in measles. Measles में मिलता है हमको. ठीक है. तो non-ciliating granuloma कहाँ कहाँ पे मिलता है? Sarcoidosis. Then मैंने sarcoidosis बताया था क्या पहले? So I'm mistaken here. Please excuse it. Sarcoidosis नहीं है. Sarcoidosis non-ciliating granuloma में आता है. Hodgkin's lymphoma और Crohn's disease. Okay. ठीक है, ये सारा HSC. ओके, तो हॉजकिंस लिम्फोमा, सार्कोइडोसिस और क्रॉन्स. और ट्यूबर सीजेटिंग ग्रेनुलोमा कहाँ पे आता है आपका? ट्यूबरकुलोसिस में, हिस्टोप्लास्मोसिस, सिफिलिस और कोक्सिडियोमाइकोसिस. ओके, नाउ जायंट सेल ट्यूमर इज सिमिलर टू जायंट सेल ग्रेनुलोमा इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट. क्या है इसका आंसर? जायंट सेल ट्यूमर ये कहाँ पे होता है और ये कहाँ पे होता है? ग्रेनुलोमा, जायंट सेल ग्रेनुलोमा टंग पे होता है, ठीक है. और इसको जायंट सेल ट्यूमर को ऑस्टियोक्लास्टोमा भी बोलते हैं. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जो एक्सेप्ट इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लिय, ओके, इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लिय नहीं होता है, ठीक है. लेट्स स्टडी कंपैरिजन ऑफ द जायंट सेल इन जायंट सेल ग्रेनुलोमा ऑफ द जॉस एंड इन जायंट सेल ट्यूमर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स. हैज बीन शोन दैट जायंट सेल इन जायंट सेल ग्रेनुलोमा टेंड टू बी स्मॉलर एंड टू कंटेन फ्यूअर न्यूक्लियर, स्मॉल एंड कंटेन फ्यू न्यूक्लियर. ओके, ठीक है. फिर ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलर सेल ट्यूमर क्या होता है? बेनाइन न्योप्लाज्म है, हेड एंड नेक रीजन पे होता है, टंग में मोस्ट कॉमन है, ठीक है. देन ये सारा ये भी सेम है. ग्रेनुलर सेल ट्यूमर को ही हम ग्रेनुलर सेल मायोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, ठीक है. तो दे ऑक्वायर मोस्टली ऑन द टॉप ऑफ द टंग. ओके, आई हैव गॉट अ इमेज. सो ये टंग में होता है, ठीक है. What is true about traumatic ulcerative granuloma with stromal eosinophilia? इसको टक से भी बोलते हैं. क्या है ये, क्या है इसका आंसर, क्या है? सुना है इसके बारे में पहले कभी? नहीं, I don't think so you've heard. So let me tell you, it is most often seen on tongue secondary to muscle damage. कभी muscle damage होता है तो tongue में दिखाई देता है. Deep pseudo-invasive inflammatory reaction that is slow to resolve, slowly resolve होता है, ठीक है. तो इसका आंसर है heals rapidly after biopsy. Okay, जब बायोप्सी करते हैं तो ये it does not metastasize to brain, it does not metastasize to kidney, it does not spread through nerves, it heals rapidly after biopsy. ये option ही इससे related है. Okay, it is slow to resolve. Okay, ये slow to resolve जो है heals slowly after biopsy. Okay. So which of these used to check vitality of cell, okay, in oral mucositis precancerous lesion, okay, not to diagnose, okay, diagnose होने से toluidine blue बोलते थे हम. Vitality of cells देखना है हमको, vitality of cells किससे देखते हैं? Have you heard of this? I don't think so. इसका answer है trypan blue exclusion test, okay, vitality of cell. इसका फुल नेम क्या है? ट्रिपन ब्लू एक्सक्लूशन टेस्ट ऑफ सेल वायबिलिटी. द डाई एक्सक्लूशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ वायबल सेल्स प्रेजेंट इन सेल सस्पेंशन. इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइव सेल्स पोसेस इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन्स दैट एक्सक्लूड सर्टेन डाई सच एज ट्रिपन ब्लू इओसिन. और ये आप खुद से पढ़ लेना. तो आपको नाम यहाँ पे याद रखना है सिर्फ ट्रिपन ब्लू एक्सक्लूशन टेस्ट ऑफ सेल वायबिलिटी. तो सेल वायबिलिटी देखने के लिए हम ट्रिपन ब्लू टेस्ट करते हैं. लैक्रिमेशन इज सीन ऑन मैस्टिकेशन, व्हिच नर्व इज इन्वॉल्व? कौन सा है ये? इसका और एक नाम क्या है? फेशियल नर्व. फेशियल नर्व नहीं है, फेशियल नर्व नहीं है.
फेशियल नर्व तो बेल्स पाल्सी में होता है ना, तो बेल्स पाल्सी में थोड़ी ना लैक्रिमेशन इज सीन ऑन मैस्टिकेशन. डू वी सी लैक्रिमेशन ऑन मैस्टिकेशन इन ऑरिकुलो टेम्पोरल? यस, ऑरिकुलो टेम्पोरल. इसको क्या बोलते हैं हम? प्रे सिंड्रोम बोलते हैं. ओके, प्रे सिंड्रोम, स्वेटिंग एंड फ्लशिंग ऑफ ए पैच ऑफ स्किन नियर द एयर. ओके, एयर के रीजन में स्वेटिंग एंड फ्लशिंग होता है. ठीक है, प्रेस सिंड्रोम इज ए पोस्ट ऑपरेटिव फेनोमेनन. तो सर्जरी के बाद, सेलाइवरी ग्लैंड सर्जरी के बाद ये होता है, और नेक डिसेक्शन के बाद भी हो सकता है. फेसली प्रोसीडियर एंड ट्रॉमा. फ्रे सिंड्रोम वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लूसी फ्रे 1923 एंड वॉज टर्म्ड ओरिकुलो टेम्पोरल सिंड्रोम. सो इसको ओरिकुलो टेम्पोरल सिंड्रोम भी बोलते हैं हम. ठीक है, तो ए 40 ईयर ओल्ड फीमेल कंप्लेंस ऑफ पेन ऑन द चीक व्हिच ट्रिगर्स ऑन च्यूइंग फूड एंड इन बिटवीन शी हैज नो पेन. इसका आंसर क्या है? ए. ओके, वेरी गुड, वेरी इजी. ट्राइजिमेनल न्यूरलजिया. तो ट्राइजिमेनल न्यूरलजिया कब इंक्रीज होता है? च्यूइंग, स्पीकिंग और ब्रशिंग द टीथ. तो व्हिच सेलिब्रिटी, कौन सा फेमस सेलिब्रिटी जिसको ट्राइजिमेनल न्यूरलजिया है? सलमान. हाँ, सलमान खान. ओके, ट्रीटमेंट इंक्लूड्स मेडिकेशन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं और सर्जरी भी करते हैं. ओके, तो टाइलिज्म, टाइलिज्म का मतलब क्या है? एक्सेसिव सलाइवा. तो कहाँ पे पाया जाता है ये? जोगलन सिंड्रोम में एक्सेसिव सलाइवा होता है क्या? इसमें तो जेरोस्टोमिया होता है, ये मेंटल रिटार्डेशन में होता है. तो लेट्स सी what are the reasons of tylism. causes, physiologic causes, दांत निकलने से pregnancy में होता है, many other things are there, epilepsy उनमें से एक है, mental retardation, drugs में भी होता है, mental retardation यहाँ पे इसका answer है. ठीक है, start preparing for the NEET MDS from your home. Dr. Pranav Academy of Dental Sciences. online classes for all first, second, third and final year students. NEET MDS online test series, unlimited practice and highest quality teaching. Affordable pricing. Download the app now. So Horner syndrome pe, we were talking about Horner syndrome. One of the option was Horner syndrome. Okay. So Horner syndrome mein kya hota hai? Sympathetic nerve fiber injury. Iska mnemonic hai sample. Okay. So anhydrosis hota hai, myosis hota hai, ptosis hota hai. लोस ऑफ सिलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स और एनोप्थेलोमस. एनोप्थेलोमस क्या है? एक्सोप्थेलमस हो गया आंखों का बाहर निकलना, और एनोप्थेलस में आंखों का अंदर घुस जाना. ओके, और एनहाइड्रोसिस क्या है? एनहाइड्रोसिस इज द इनएबिलिटी टू स्वेट नॉर्मली. तो हम स्वेटिंग नॉर्मली नहीं करते हैं, तब उसको एनहाइड्रोसिस बोलते हैं. व्हेन यू डोंट स्वेट, परस्पायर, योर बॉडी कैन नॉट कूल इटसेल्फ, व्हिच कैन लीड टू ओवरहीटिंग एंड समटाइम्स टू हीट स्ट्रोक. तो क्या होता है एनहाइड्रोसिस में? ओवरहीटिंग हो जाता है and it may lead to heat stroke. okay, a potentially fatal condition. मतलब वो जो जानलेवा हो सकता है. okay, which of the following anomaly needs consideration in restorative treatment? देखो restorative treatment में हमको consider करना पड़ेगा इसमें. dilaceration restorative treatment में क्या relation है? dentin तो root है हमको. क्या होता है? व्हाट इज एनामिलोमा? इनामल पर्ल. एनामल पर्ल. ओके, एनामल पर्ल. एनामल पर्ल मतलब क्या होता है? प्रेजेंट आउटसाइड द नॉर्मल साइज, मतलब रूट में रहते, अपने जगह में नहीं रहते. परकेशन मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द परकेशन एनामल इन अदर देन द साइट वेयर इट शुड बी प्रेजेंट इन द परकेशन. ओके, टोरोडेंटिज्म में थोड़ा लार्ज क्राउन होता है, बट वी डोंट नीड मच कंसीडरेशन इन रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट. नॉर्मल के विधि की तरह ही बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एकोंड्रोप्लेशिया इज कॉज्ड बाय व्हिच थिंग? पता है किसी को?
type of dwarfism. Okay, कौन सा जीन कॉज करता है? It is FGFR3. Okay, FGFR3 जीन का कारण होता है. See what is symptoms. Someone जहाँ से noise आ रहा है, please mute yourself. So symptoms of achondroplasia are dwarfism. Okay. Dwarfism, disproportionate short stature, तो वो छोटा होता है, ठीक है. Then flat bone defect, large head size, frontal bossing, ये सारा मिलता है, ठीक है. ये आप अपने आप पढ़ लेना. तो this is like a picture of a person suffering from achondroplasia. पर इनमें क्या होता है, इनमें और जो dwarf में क्या एक difference होता है, these are achondroplasia जिसका होता है, they are considerably stronger. Okay, बहुत strong होते हैं वो, ठीक है. Most common tumor of salivary gland. बताओ. A. A. Pleomorphic adenoma. Okay. Let's see. Most common neoplasm of salivary gland is pleomorphic adenoma. Most common malignant tumor क्या है? Malignant M4M mucoepidermoid carcinoma. Most common neoplasm of salivary gland in children is hemangioma. Most common malignant tumor of salivary gland ये malignant mucoepidermoid ही होगा. Minor salivary gland में adenoid cystic carcinoma. Okay, minor salivary gland tumor में adenoid cystic carcinoma. Okay, acrodermatitis enteropathica is a multi organ failure due to deficiency of, इसके कारण होता है acrodermatitis enterohepatica. Anyone can tell me? कोई बोल सकता है इसके बारे में? नहीं पता है. तो लेट्स सी, दिस इज एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोहेपेटिका इज ए डिसऑर्डर ऑफ जिंक मेटाबॉलिज्म. ओके, जिंक के कारण होता है. जिंक मेटाबॉलिज्म दैट ऑक्वायर्स इन वन ऑफ द थ्री फॉर्म्स, एंड इनबॉर्न कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. द इनबॉर्न फॉर्म इज ए रियल फैक्टर्स बाय इंटेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटीज दैट लीड्स टू इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब जिंक फ्रॉम द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में भी होता है और अदर ऑर्गन्स में भी होता है. मल्टी ऑर्गन ये मल्टी ऑर्गन फेलियर कॉज करता है, ठीक है. मल्टी ऑर्गन फेलियर. ओके, ये ऐसा कोई पिक्चर मिलने से आप यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक्रोडर्मेटाइटिस. डर्मेटाइटिस मतलब क्या है? स्किन. एंटेरो मतलब द आपका जीआई ट्रैक. ओके, तो जीआई ट्रैक भी इन्वॉल्व है, स्किन भी इन्वॉल्व है. ओके, the lack of zinc presence characteristically as skin inflammation with pimples. Okay, skin inflammation होता है, pustular dermatitis होता है, occurring around the mouth and or anus. Diarrhea होता है, intestine में problem है, abnormal nail dystrophy होता है. In the acute phase, irritability and emotional disturbance are evident to due to wasting of the brain cortex. It is important to recognize and treat the disorder. Which of the most common manifestation of recurrent HSV 1 infection? तो दो तरीका का HSV मतलब क्या है? Herpes simplex. तो क्या है? Which is the most common manifestation of recurrent? Recurrent में क्या होता है? Herpes labialis होता है, ठीक है. तो what is herpetic whitlow? यहाँ पे हमने एक option है, herpetic whitlow भी देखा है. What is herpetic whitlow? इज ए कंडीशन वेयर स्मॉल ब्लिस्टर्स फिंगर टिप्स में होता है. ये जनरली डॉक्टर्स को होता है क्योंकि वो ये हर्पिस पेशेंट को देखते हैं ना, ट्रीट करते हैं, डेंटिस्ट में होता है. तो व्हेन दे टच ये इनका फिंगर में आ जाता है, तो दिस इज नोन एज हर्पेटिक विटलो. तो आप एक चीज जानो, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 जो माउथ लिस्ट अबव द वेस्ट को कॉज करता है, टाइप 2 बिलो द वेस्ट. ओके, बिलो द वेस्ट waist, type 1 above the waist. So a 40 years old lady reported with 1.5 centimeter crater like ulcer on the palate for last 1 week, which is rapidly growing, aggressive, ulcerative, perforating the heart palate. Perforating the heart palate kya hai? Humne padha tha us din. A. Yes, necrotizing cielo meta प्लेजिया. ओके, तो ये है नेक्रोटाइजिंग येलो
necrotizing myelometaplasia. Okay. Osteogenesis imperfecta occurs due to defect in the synthesis of collagen. Collagen, yes, very good. Collagen. Okay. So this is osteogenic imperfecta. Iska naam suna hai? This is Parsh. He is very famous. You have seen? Aapne dekha hai? Social media mein aate rehta hai. So he is suffering from osteogenesis imperfecta. Okay. It's a genetic disorder that prevents the body from building strong bone. तो इसमें क्या है ब्रिटल बोन डिजीज मतलब बोन सारा कुछ भी हो ना थोड़ा बहुत गिर जाए कुछ भी हो जाए तो बोन टूट जाता है ब्रिटल बोन डिजीज इसलिए बोलते हैं इसको ठीक है. A 25 year old patient reports with swelling since last 2 months which increases while eating food and becomes painful. ये याद रखो खाने से पेनफुल बन जाता है. फ्रेज सिंड्रोम में था क्या था आपका स्वेटिंग होता था खाने के बाद बट दिस बिकम्स पेनफुल ईटिंग में पेनफुल हो जाता है. कौन सा है यहाँ पे सी यस वेरी गुड सबमेंडिबुलर सियाला रेनाइटिस. सो देयर आर टू क्लोज ऑप्शंस हियर सबमेंडिबुलर सियाला रेनाइटिस एंड रेनुला. हाउएवर रेनुला इज नॉट पेनफुल व्हाइल ईटिंग अनलेस इट बिकम्स वेरी बिग इन साइज. रेनुला अगर बहुत बड़ा हो गया देन ओनली इट इज पेनफुल अदरवाइज इट इज नॉट पेनफुल. बट इन केस ऑफ सबमेंडिबुलर सियाला रेनाइटिस इज पेनफुल ड्यूरिंग मील्स एंड एनलार्ज सबमेंडिबुलर ग्लैंड कैन बी फेल्ट बाय मैनुअल पेल्पिटेशन तो उसमें पेनफुल नहीं होता है. इन केस हैविंग मल्टीपल कैरीज. मल्टीपल कैरीज कब होता है एक रीजन बताओ मुझे. जेरोस्टोमिया में होता है ठीक है. और पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड सलाइवरी ग्लैंड एप्लेशिया. तो लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये क्या हो सकता है. अल्कलाइन फॉस्फेटेस. नहीं अल्कलाइन फॉस्फेटेस तो बोन वगैरह में ज्यादा हम यूज करते हैं बोन में. ये क्या है एंटीबॉडी है एंटीबॉडी रो ला एंटीबॉडी. ओके तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा. सलाइवरी ग्लैंड एप्लेशिया जेरोस्टोमिया इस पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू ऑटोइम्यून मतलब ये किस तरफ जा रहा है जोंग्रेन सिंड्रोम की तरफ जा रहा है. और जोंग्रेन सिंड्रोम में हम एंटी रो ला जो हम पैथोलॉजी पे पढ़ेंगे फ्यूचर में जब हम दिस विल टॉक ना इम्यूनोलॉजी जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे. तो एंटी रोला एंटीबॉडीज टेस्टिंग इज इंडिकेटेड इन सस्पेक्टेड केस ऑफ जोंग्रेन सिंड्रोम. ओके तो बेस्ट मेथड टू डायग्नोस नॉन ओडोंटोजेनिक पेन क्या होगा. नॉन ओडोंटोजेनिक पेन एग्जांपल बता सकते हो जो दांतों से नहीं आता है पेन बट इट इज द पेन ऑफ द हेड एंड नेक रीजन. तो इसका आंसर बताओ पहले फिर मैं बताता हूँ आपको नॉन ओडोंटोजेनिक पेन का रीजन. ये बता सकते हो कैसे पता कर सकते हैं हम. फॉलोइंग अ सीक्वेंशियल प्रोसीजर ऑफ हिस्ट्री रिकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इजी ना. ये तो हम कुछ भी ये में करेंगे ऐसा. तो नॉन ओडोंटोजेनिक कॉज ऑफ टूटेक आर मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स पढ़े हो आप लोग. मायोफेशियल पेन सिंड्रोम टीएमजे वाला तो नॉन ओडोंटोजेनिक है. न्यूरेलजिया नॉन ओडोंटोजेनिक है. ईएनटी डिजीज एंड ट्यूमर नॉन ओडोंटोजेनिक है. न्यूरोवास्कुलर पेन नॉन ओडोंटोजेनिक है. और साइकेट्रिक डिजीज में आपको नॉन ओडोंटोजेनिक कॉज होता है ठीक है. तो यहाँ पर ही हम आज खत्म करेंगे. सो वी आर डन विथ 2018 ओरल पैथोलॉजी नीट का एमडीएस.